अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में कैदियों की रिहाई से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। मामला सिर्फ कैदियों की रिहाई का नहीं, देखना है हुकूमत कोरोना से कैसे निमट रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया सिर्फ मीटिंग हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कुछ भी काम नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां मैं जा सकूं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया इस्लामाबाद में तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी गई हैं, मुल्क में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। मुझे अपनी अहलिया को चेक कराने के लिए बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाना पड़ा, निजी क्लिनिक्स और अस्पताल भी बंद पड़े हैं। मुल्क में किस तरह की मेडिकल इमरजेंसी नाफिज की गई है? चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हर एक अस्पताल और क्लिनिक लाजमी खुला रहना चाहिए। वजारत हेल्थ ने खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की डिस्पेंसरी बंद की जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद क्या कहा, जानी माइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या कहा चीफ जस्टिस ने मजीद? जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केस की समाअत हुई और दौरान समाअत जो है वो इस सवाल से जो है केपी के में साफ पानी से मुतलक मनसूबे से मुतलक केस की समाअत हुई और दरअसल लोकल गवर्नमेंट केपीके के चीफ इंजीनियर असगर अली खान की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी और दौरान समाअत जो है वो वकील का ये कहना था कि नैब का नया तरमीमी कानून जो है वो आ चुका है, इस बुनियाद पर जमानत दी जाए और इस सवाल से महकमे की जानब से मनसूबे की रकम जारी करने में दरखास्त गुजार का कोई किरदार नहीं है, आप नए कानून और दीगर मुलाजमीन को रिहा करने का नुकता हाईकोर्ट में आपने नहीं उठाया। और इस सवाल जस्टिस उमर पाबंदियाल का कहना था कि दरख्वास्त गुजार ने ठेकेदार की बैंक गारंटी की तस्दीक भी की थी और जस्टिस उमर पाबंदियाल ने कहा कि आप जमानत के लिए यही नुकात हाईकोर्ट से दोबारा उठा सकते हैं और व्हाइट कलर जराइम में दस्खत देखे जाते हैं और मुल्क में नया कानून आ चुका है, इसके बाद इस केस की क्या सूरत हाल होनी चाहिए। जस्टिस उमर अता का यह भी कहना था कि मनसूबे का ठेका लेने के लिए जिस बैंक की गारंटी दी गई वो सी कैटेगरी का है और केपीके की हुकूमत क्यों सी कैटेगरी बैंक के साथ डील कर रही है। इस पर अदालत ने जमानत की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी और केपीके हुकूमत ने 2007 में फाटा और केपीके में 1159 वाटर फिल्टर बनाने का मंसूबा शुरू किया था। जी ठीक है, तो ये बलोच बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में कैदियों की रिहाई से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। मामला सिर्फ कैदियों की रिहाई का नहीं, देखना है हुकूमत कोरोना से कैसे निमट रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया सिर्फ मीटिंग हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कुछ भी काम नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां मैं जा सकूं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया इस्लामाबाद में तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी गई हैं, मुल्क में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। मुझे अपनी अहलिया को चेक कराने के लिए बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाना पड़ा, निजी क्लिनिक्स और अस्पताल भी बंद पड़े हैं। मुल्क में किस तरह की मेडिकल इमरजेंसी नाफिज की गई है? चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हर एक अस्पताल और क्लिनिक लाजमी खुला रहना चाहिए। वजारत हेल्थ ने खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की डिस्पेंसरी बंद की जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद क्या कहा, जानी माइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या कहा चीफ जस्टिस ने मजीद? जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केस की समाअत हुई और दौरान समाअत जो है वो दौरान समाअत जो है वो इस सवाल से जो है केपीके में साफ पानी से मुतलक मनसूबे से मुतलक केस की समाअत हुई और दरअसल लोकल गवर्नमेंट केपीके के चीफ इंजीनियर असगर अली खान की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी और दौरान समाअत जो है वो वकील का ये कहना था कि नैब का नया तरमीमी कानून जो है वो आ चुका है, इस बुनियाद पर जमानत दी जाए और इस सवाल से महकमे की जानब से मनसूबे की रकम जारी करने में दरखास्त गुजार का कोई किरदार नहीं है, आप नए कानून और दीगर मुलाजमीन को रिहा करने का नुकता हाईकोर्ट में आपने नहीं उठाया। और इस सवाल जस्टिस उमर पाबंदियाल का कहना था कि दरख्वास्त गुजार ने ठेकेदार की बैंक गारंटी की तस्दीक भी की थी और जस्टिस उमर पाबंदियाल ने कहा कि आप जमानत के लिए यही नुकात हाईकोर्ट से दोबारा उठा सकते हैं और व्हाइट कलर जराइम में दस्खत देखे जाते हैं और मुल्क में नया कानून आ चुका है, इसके बाद इस केस की क्या सूरत हाल होनी चाहिए। जस्टिस उमर अता का यह भी कहना था कि मनसूबे का ठेका लेने के लिए जिस बैंक की गारंटी दी गई वो सी कैटेगरी का है और केपीके की हुकूमत क्यों सी कैटेगरी बैंक के साथ डील कर रही है। इस पर अदालत ने जमानत की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी और केपीके हुकूमत ने 2007 में फाटा और केपीके में 1159 वाटर फिल्टर बनाने का मंसूबा शुरू किया था। जी ठीक है, तो ये बलोच बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।